नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम टीटागढ़ वैगन शेयर का डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, जिसका अभी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल सेटअप बन रहा है, किस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है एंड स्टॉक का फंडामेंटल क्या है एंड आने वाले टाइम में किस टाइप का प्राइस मूवमेंट हो सकता है, डिटेल्स में आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो जो कंपनी काम क्या करता है। अगर आप टीटागढ़ वैगन या टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड का काम देखेंगे तो देखिए, मेनली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन इलेक्ट्रिकल, स्टील कैस्टिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ब्रिजेस, शिप्स एक्सेट्रा एंड द कंपनी कैटर्स टू बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। अगर आप इस स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे, अराउंड यहाँ पे बन रहा है 6,490 करोड़ का एंड लास्ट थ्री ईयर में इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है 2,500% के आसपास। अगर अभी स्टॉक का करंट प्राइस देखेंगे, वो चल रहा है अभी 543 के आसपास एंड इसका बुक वैल्यू क्या है, 80 के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.75। अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैश देखेंगे, 940 करोड़ का रिजर्व कैश है, जो कि उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। EPS क्या है, 10.9 का। डिविडेंड यील्ड है 0। ROE है 15% के आसपास। ROC है 17.5% का। प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 45%। डेट इक्विटी 0.37 है, जो कि मैनेजेबल है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है 45%। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 132%। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 340%। देखिए, इसमें जो भी मूवमेंट आया है ना, लास्ट 3 ईयर में आया है, लेकिन उससे पहले जो 5 ईयर्स था वहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जिसकी वजह से अभी जो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखिए, आपको 45% के आसपास देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी लास्टेस्ट 3 ईयर में इस स्टॉक का प्राइस ने एक स्ट्रांग अपमूव देखने को मिल रहा था और यहाँ पे अराउंड 2,500% के आसपास रिटर्न मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या अभी इस लेवल पर जो कि स्टॉक का प्राइस चल रहा है 543, यहाँ पे एंट्री करना चाहिए? इसीलिए हम जाकर टेक्निकल चार्ट में देखेंगे कि इस टाइप का सेटअप बन रहा है एंड अभी एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी हम चलते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, देखते हैं कि सेल्स प्रॉफिट किस टाइप का आ रहा है स्टॉक। तो देखिए, मार्च 2021 में इसका सेल्स था 430 करोड़ का एंड अभी सेल्स हो गया है 974 करोड़ का। लास्ट 2 ईयर में सेल्स यहाँ पे डबल हो गया है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था 1 करोड़ के आसपास मार्च 2021 में। नेट प्रॉफिट कितना हो गया है, 48 करोड़ का। देखिए कितना बड़ा जंप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। कहाँ था 1 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखिए 48 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस अभी कॉन्टिन्यूसली अपमूव दे रहा है। अभी हम चलते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे प्रोमोटर के पास 45% के आसपास शेयर होल्डिंग है। बस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है कि प्रोमोटर धीरे धीरे करके शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं नीचे की तरफ। एफआई का शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। देखिए, एफआई यहाँ पे 4.85% का शेयर होल्डिंग था, अभी इंक्रीज होकर हो गया है 12.6%। डीआई का शेयर होल्डिंग यहाँ पे धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। डीआई के पास था यहाँ पे 7.73%, अभी देखिए इंक्रीज होकर हो गया है 9.1%। बोथ एफआई डीआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एंड पब्लिक के पास यहाँ पे 33% शेयर होल्डिंग। सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि रिटेल पब्लिक जो है, उनका शेयर होल्डिंग अभी डिक्रीज कर रहे हैं। प्रीवियसली 40.73% शेयर होल्डिंग था, अभी डिक्रीज करके 33.3% शेयर होल्डिंग हो गया है। अगर हम पब्लिक के बीच में कोई बिग इन्वेस्टर को देखेंगे तो अराउंड देखिए, महिमा स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे होल्ड कर रहा है 1% के आसपास एंड आकाश भंसाली यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 1.02%। देखिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग में ये दोनों यहाँ पे 1% से ऊपर शेयर होल्डिंग होल्ड किए हैं। अगर 33.3% से 2% निकाल देंगे, अराउंड 31% के आसपास शेयर होल्डिंग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं हमारे जैसा रिटेल पब्लिक, जिनके पास शेयर होल्डिंग है बिलो 1%। क्योंकि एबव 1% अगर किसी भी स्टॉक के शेयर होल्डिंग हमारा रहेगा तो वहाँ पे शो कर जाएगा पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो 31% यहाँ पे रिटेल पब्लिक ऐसा है बिलो 1% शेयर होल्ड कर रहे हैं टीटागढ़ वैगन में, नहीं तो इसका जो लेटेस्ट नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड में। अभी हम चलते हैं इसका चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट में किस टाइप का सेटअप बन रहा है एंड कौन सा लेवल पर हमको फ्रेश एंट्री करना है।
तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड या फॉर्मली नोन एज टीटागढ़ वैगन्स का। टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ मंथली। देखिए हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस कह के लार्जर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट। कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा ना ब्रेकआउट भी उतना बड़ा होगा। देखिए स्टॉक का प्राइस 2008 से 2021 लगभग 13 इयर्स इस रेंज के अंदर देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। ओके एंड जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा ना प्राइस जैसे ही उसी रेंज को ब्रेक करेगा हमको वहाँ पे बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 2023 में प्राइस जो उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा था उसको ब्रेक कर दिया। मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस कौन सा लेवल था, नियरली 184 के आसपास। प्राइस देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 184 को ब्रेक कर दिया। देखिए प्राइस जब भी मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा होगा वहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। देखिए जो लेवल था ना इस ब्रेकआउट में हमारा एंट्री बन रहा था 184-190 के आसपास। एंड ऑलरेडी तो प्राइस अभी ब्रेकआउट कर दिया है मल्टी ईयर का, क्या अभी एंट्री करना फ्रेश एंट्री 540 में सही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए प्राइस हमेशा से एक बार बड़ा मूवमेंट देने के बाद 2000 से 2005% रिटर्न देने के बाद प्राइस एक रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करता है एंड खुद को प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा शायद 6 मंथ से 1 ईयर तक। एंड प्राइस जैसे ही इस रेंज को कंसोलिडेशन करके ब्रेक करेगा ना उसके बाद हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अभी के लिए बिल्कुल भी एक स्टॉक डायरेक्ट यहाँ पे 2500% रिटर्न देने के बाद 540 लेवल में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है। देखिए करेक्शन है दो टाइप का, एक प्राइस वाइज और एक टाइम वाइज। इधर प्राइस वाइज यहाँ पे 40-50% करेक्शन आ जाता है उसी केस में एंट्री कीजिएगा, नहीं तो प्राइस को यहाँ पे 6 मंथ से 1 ईयर तक एक बार कंसोलिडेशन होने दीजिएगा। एंड यहाँ पे जैसे कंसोलिडेशन होगा रेंज को ब्रेक करेगा आप एंट्री कर सकते हैं। अभी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, उसके बाद आप बेटर वे में कंसोलिडेशन को समझ पाएंगे। देखिए प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रांग अप मूव दिया था एंड प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। एग्जैक्ट देखिए प्राइस ऑलरेडी अभी मूवमेंट दे चुका है एंड इसी जोन में प्राइस कंसोलिडेशन हो सकता है। आइदर टाइम वाइज कंसोलिडेशन होगा तो यहाँ पे एक रेंज बना देगा, अगर प्राइस वाइज होगा तो आराम से 40-50% स्टॉक का प्राइस करेक्ट कर सकता है। इसीलिए 540 लेवल पर फ्रेश एंट्री मत कीजिएगा। स्टॉक अच्छा है लेकिन 540 के लेवल में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिएगा एक बार 40-50% के आसपास करेक्शन। अगर मैं 540 से 40% करेक्शन मेजर करूंगा अराउंड बन रहा है 300 के पास, 300 के आसपास देखिए प्राइस यहाँ पे बेस बनाया था 310-320 उसी लेवल में आप कंसीडर कर सकते हैं। 310 या 320 में आपका फ्रेश एंट्री बन सकता है, इस लेवल पर बिल्कुल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले टाइम में प्राइस इस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है एंड लोअर बाउंड्री बनेगा 310 से 320। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।